का 2022 मैग्मा ग्रे नो 2022 इट्स 2019 का मॉडल है, 3 साल पहले की कार है। लेकिन विगाटो में और विगाटो में आने के बाद विगाटो स्टाइल में किस तरीके से अपग्रेड की है मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन अपग्रेड करने के बाद इसे कोई भी नहीं बोलेगा कि ये 3 साल पहले की कार है, कि हाउ ब्यूटीफुली वी हैव अपग्रेड दिस व्हीकल। द फ्रंट प्रोफाइल में हमने क्रिस्टल DRLs इंस्टॉल की हुई है। मैं हर वक्त आप लोगों को बोलता हूँ, जो क्रिस्टल DRLs आती है ये कस्टम्स आती है। इनर प्रोफाइल इसका ब्लैक कलर का आता है और ऐप के थ्रू अलग अलग कलर्स चेंज होते हैं। जो मेन स्टैंड आउट इसका बढ़ाता है जो इंडोनेशियन बॉडी किट हमने इंस्टॉल की है और ये वन ऑफ द फेवरेट है हमारी। दोस्तों इसके मैग्मा ग्रे विद सिल्वर एसेंट जो इसके आईब्रो आते हैं इसकी बात ही कुछ अलग है, इसका जो स्टैंड आउट ही अलग है। मैं हर वक्त एक ही बात बोलता हूँ, 180 का चले और वी लाइन प्लस पहचाननी है तो ये बॉडी किट से है। ग्रिल हमने रिप्लेस की है, इसमें रेगुलर जो पुरानी वाली क्रोम ग्रिल लग के आती मैं क्रोम भी लगा सकता था, लेकिन जो ये डी क्रोम में मज़ा आ रहा है ना ये कार में मैग्मा ग्रे में, इसकी कुछ बात ही कुछ और है। और जो इंडोनेशियन बॉडी किट है मैग्मा ग्रे सिल्वर विद द रेड एसेंट के साथ एंड क्रिस्टल DRL, ये कार में 15 इंचेस के अलॉय व्हील्स लगे हुए थे, इसे अपग्रेड करके 16 इंचेस के जेन्युइन XL6 के अलॉय व्हील हमने ये कार में इंस्टॉल किए हैं। साइड प्रोफाइल आप लोगों के सामने है, कोई भी ओवर ना क्रोमियम किया हुआ है, टॉप भी हमने ब्लैक नहीं किया हुआ है, इसके अंदर डोर वाइजर भी नहीं लगाए हैं, लेकिन सिर्फ मिरर के जो कवर्स हैं उसे ब्लैक कलर किया और हैंडल्स को हमने ब्लैक कलर किया है और स्टैंड आउट आप लोगों के सामने। लेकिन 16 इंचेस के अलॉय व्हील एक कुछ अलग ही बात है। लेकिन मेन धमाका वी लाइन प्रो जो बनती है रियर प्रोफाइल से। दोस्तों अभी कौन बोलेगा कि ये 2019 का मॉडल है, कोई नहीं बोल सकता है। स्टनिंग स्पॉइलर हमने ये कार में इंस्टॉल किया है जो मेड इन इंडोनेशिया का आता है, ये एक्सटेंडेड स्पॉइलर है लेकिन लुक आप लोगों के सामने है मैग्मा ग्रे विद सेटिन के साथ है। ऑटोमेटिक टेल गेट ओपनर भी हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है दोस्तों। तो इसी के लिए मैं हर वक्त बोलता हूं हमारी एटिका कुछ लग्जूरियस कार से कम नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर मुझे क्लोज करना है जस्ट वी हैव टू प्रेस द बटन, आप लोगों के सामने है ये वाली चीज में ना। एटिका वालों ने भी बता दिया कि हम किसी से कोई कम नहीं है और लग्जूरियस आपके सामने है एंड सॉफ्ट लॉक है इसके अंदर, जैसे कि ऑल द लग्जूरियस कार में आता है। रिमोट से भी ओपन होती है, क्लोज होती है, लेकिन ऑटोमेटिक टेल गेट ओपनर भी हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल। इन्फिनिटी टेल लाइट्स हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल की है। द सेट ऑफ 7 पीसेस की आती है, इंट्रोडक्शन आप देख ही चुके हैं, मैट्रिक्स इंडिकेटर के साथ आती है, वन ऑफ द बेस्ट है। एक स्टैंड आउट चाहिए, एक स्पोर्ट्स लुक चाहिए तो ये टेल लाइट्स हमको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। फिर से बोलूंगा द आन बान शान है रियर की जो बॉडी किट है दोस्तों, मैग्मा ग्रे सिल्वर एंड सैटिन के साथ है। एक एक दोस्तों इसकी फिटमेंट फिनिशिंग पैकिंग इज द नेक्स्ट लेवल है। ये किट कुछ अलग ही इसकी कुछ बात है इसके अंदर। लेकिन मैग्मा ग्रे विथ डस्ट इन्फिनिटी टेल लाइट्स एंड द बॉडी किट, लेकिन साइड में भी हमने बॉडी किट इंस्टॉल की है, आप चेकआउट कर सकते हैं। 3 कलर्स की जो बॉडी किट है साइड में भी हमने ये कार में इंस्टॉल की है। बाहर से इतना धूम धड़ाका है तो अंदर से भी कोई चीज़ की कमी नहीं रखते हैं। अब आते हैं वापस द वाव फैक्टर में। दोस्तों वाव फैक्टर ये बनता है इंटीरियर से, इंटीरियर बाय द विगाटो एमरल कलर का इंटीरियर हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल किया है। मैक ट्रिम के द अल्ट्रा सॉफ्ट सीट कवर्स एलमेंट विद द ब्लैक के साथ हमने इंस्टॉल किए हैं। सेम कलर की मैट्स हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल की हुई है। ऑल द पिल्लर ए बी एंड सी, तीनों भी पिल्लर को लेदर रैप किया है, लेकिन लेदर रैप का कब मजा आता है, जब हम टॉप जो है वो ब्लैक कलर का करते हैं इसके अंदर। इंटीरियर स्टाइलिंग किट कार्बन फाइबर की पहले भी लगी थी और अभी फिर भी हमने यही लगाई क्योंकि कस्टमर को काफ़ी पसंद है। एक्टिव एम्बियंट लाइटिंग है, जस्ट सी द फिनिशिंग ऑफ द स्टेयरिंग अप डाउन एंड 3 स्पोक द कार्बन फाइबर कॉन्सेप्ट की है। हॉर्न पैड है, गियर लीवर के लेदर है, लेकिन जो इंटीरियर स्टाइलिंग किट विद द एक्टिव एम्बियंट लाइटिंग, वॉल ड्रॉप जर्मन लेदर की, हमने डैशबोर्ड की लेदर रैपिंग की है 2 टोन में ब्लैक एंड एलमेंट के साथ,
पिलर भी हमने 2-टोन का हमने इंस्टॉल किया हुआ है, सनग्लास होल्डर भी हमने ये कार में इंस्टॉल किया है। सनग्लास होल्डर कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक एक फिटमेंट फिनिशिंग वो बड़ी बात है। जेन्युइन आमरेश भी हमने ये कार में इंस्टॉल किया, GT10 का प्लेयर भी हमने ये कार में इंस्टॉल किया, एल्यूमिनेटेड कफलेट्स के साथ है दोस्तों। दोस्तों अब जो सीरीज चल रही है ना फेस लिफ्ट की, अब है ना 90 से ज़्यादा तो ये गाड़ियाँ खड़ी हुई है, जिसकी जो ओल्ड से न्यू करने के लिए एक ग्रिल चेंज करनी है, स्टैंड आउट आप लोगों के सामने। लेकिन जो रियर प्रोफाइल है विद द स्टनिंग स्पॉइलर के साथ, इसकी कुछ बात कुछ और है दोस्तों। ये वीडियो, ये कॉन्सेप्ट, ये फेसलिफ्ट आपको किस तरीके से लगा है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। ड्राइव सेफली एंड थैंक यू फ्रेंड्स।